तो इस टोपोलॉजी के अंदर मैंने दो पीसी लगाए हैं, एक स्विच लगाया है, और दो किसी भी पीसी के ऊपर कोई अभी आईपी नहीं है, लेकिन मैक एड्रेस ऑब्वियसली उसके पास होगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें स्विच की, तो स्विच के ऊपर हम एक स्विच के क्या करता है, एक टेबल बनाता है। अब जैसे मैंने कहा कि जब भी वो लर्न करेगा, नींद तो नहीं आ रही, अच्छा, जब भी एक स्विच रिसीव करेगा फ्रेम को, तो वो लर्न भी करेगा, यस और नो। अब लर्न करके वो स्टोर भी करेगा। अब वो स्टोरेज क्या है स्विच के पास, ऐसा कि जहां पे वो मैक एड्रेसेस को स्टोर करके रखता है, दैट स्टोरेज इज कॉल्ड कैम टेबल, कैम मेमोरी, CAM, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। Where all MAC addresses are stored, or these MAC addresses are stored in a table called MAC table. स्विच के ऊपर एक मेमोरी होती है, जैसे एक हार्ड डिस्क होती है सिस्टम के ऊपर, ठीक है। हमने राउटर के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशंस वो कहाँ सेव करता है, आपके एनवी रैम में, स्टार्टअप है तो एनवी रैम में, और अगर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है तो रैम में। ये क्या करता है, मैक एड्रेस टेबल को स्टोर करता है कहाँ पे, कैम मेमोरी में, और ये भी एक तरीके से वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये भी क्या होती है आपकी, वॉलेटाइल मेमोरी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये एक बार लर्न हो गए तो ये लर्न ही रहेंगे, या स्विच को रीलोड कर दिया तो भी लर्न रहेंगे, नहीं। ये भी क्या होती है, वॉलेटाइल। अगर इसकी पावर ऑफ हो गई तो इसके अंदर लर्न किए हुए सारे के सारे मैक एड्रेसेस भी क्या हो जाएंगे, डिलीट, ठीक है। लेकिन अभी मुझे क्या देखना है, मैक एड्रेस टेबल देखनी है। तो शो कमांड क्या है, शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल। कमांड को ध्यान से लिखना, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एड्रेस और टेबल के बीच में स्पेस लगाते हैं और वो कहते हैं आ नहीं रहा, ठीक है, बीच में क्या है, हाइफन, ओके। यहाँ पे आपको बता रहा है चार इंफॉर्मेशन, वीलैन, वीलैन की इंफॉर्मेशन हम वीलैन में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। मैक एड्रेसेस ये क्या है, जो भी मैक एड्रेस लर्न किया जाएगा यहाँ पे लर्न किया जाएगा। फिर ये क्या है, टाइप, टाइप मतलब दो तरीके से लर्निंग होती है यहाँ पे, टाइप ऑफ लर्निंग, एक होती है डायनेमिक और एक होती है स्टैटिक। जो अपने आप लर्न हो जाए मैक एड्रेस, जो स्विच अपने आप लर्न कर ले, वो क्या है, डायनेमिक एंट्री। और जो हम स्विच को बताएं कि ये मैक एड्रेस लर्न कर लो एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है, वो क्या होगी आपकी, स्टैटिक। क्लियर है सबको, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन क्या है, पोर्ट्स, पोर्ट्स बताएगा कि कौन से पोर्ट पे ये मैक एड्रेस लर्न किया गया है, ऑन विच पोर्ट दिस मैक एड्रेस हैज लर्न, ओके। सो इन दैट केस राइट नाउ, अभी कोई भी मैक एड्रेस एंट्री मुझे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, लेकिन यस, ध्यान से देखना, तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे पीसी दो लगे हुए हैं और मैं इन पे सिर्फ क्या दूंगा, आईपी, क्या दूंगा, आईपी, इस पे आईपी थी मैंने 10.001, सबनेट मास्क क्या है 255.0.0.0, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ आईपी दी, ठीक है, और स्विच पे एक मैक एड्रेस की एंट्री आ गई है, लेकिन मैंने ऊपर क्या लिखवाया था, जब फ्रेम सेंड किया जाएगा तभी वो लर्निंग होगी, लेकिन मैंने तो सिर्फ आईपी दी, फ्रेम तो कोई सेंड किया नहीं, तो ये लर्निंग कैसे हो गई। देखो ये मैक एड्रेस किसका है, 2A, पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, 2AA3, किसका मैक एड्रेस है, इसका 2AA3, मैंने इसी को आईपी दी थी। होता क्या है कि
होता क्या है, जब भी एक आईपी जनरेट की जाती है या आईपी दी जाती है तो एक अलग से प्रोटोकॉल जनरेट किया जाता है विच इज कॉल्ड ग्रेशियस आर्क। जैसे ही मैंने आईपी दी, ये क्या जनरेट करेगा, एक ग्रेशियस आर्क जनरेट करेगा। ग्रेशियस आर्क का पर्पस क्या होता है, टू चेक डुप्लीकेसी ऑफ आईपी एड्रेस। समझ पा रहे हो? देखो, हम जब भी एक आईपी देते हैं तो हमें पता होता है कि ये आईपी किसी और को नहीं, लेकिन गलती से फिर भी अगर हमने कोई ऐसी आईपी दे दी जो किसी और सिस्टम पे पहले से असाइन है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एक नेटवर्क में आपकी एक ही आईपी एड्रेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10.1 की जैसे मैंने आईपी दी, वो अपने ऊपर आईपी असाइन करने की बजाय ठीक है, तो जब भी मैं आईपी दूंगा तो पीसी क्या करेगा, अपने ऊपर आईपी असाइन होने से पहले वो चेक करेगा कि ये आईपी मेरे नेटवर्क में किसी और को असाइन तो नहीं है, ठीक है। अगर असाइन होगी तो वो आपको सीधा सीधा एरर दे देगा, दिस एड्रेस हैज बीन डुप्लीकेटेड इन द नेटवर्क, ठीक है। तो होता क्या है कि ग्रेशियस आर्क में जो सोर्स आईपी लगाता है वो किसके लगाता है, जो आईपी आप असाइन करना चाहते हो, और डेस्टिनेशन आईपी में भी क्या लगाता है, 10.1, मतलब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों में क्या लगा देगा, सेम आईपी जो आप असाइन करना चाहते हो। उससे क्या होगा ग्रेशियस आर्क में, स्पेशली ग्रेशियस आर्क में, या सिर्फ और सिर्फ ग्रेशियस आर्क में, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कर रहा है कि लेट सपोज मैंने एक लेटर भेजा जिसमें ना फ्रॉम में और टू में दोनों में मेरा ही पता है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब मैं अपने आप को ये लेटर भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये ग्रेशियस आर्क जब एक स्विच रिसीव करेगा तो इसके ऊपर जो सोर्स मैक लगेगा वो क्या लगेगा, ये वाला, ठीक है, और डेस्टिनेशन मैक लगेगा ब्रॉडकास्ट। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो सोर्स मैक, जैसे ही सोर्स मैक लगा तो मैंने क्या बोला था, स्विच जब भी एक फ्रेम को रिसीव करता है सोर्स मैक के बेसिस पे वो मैक एड्रेस को लर्न कर लेता है, क्लियर। और लेकिन फॉरवर्डिंग मतलब उसने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, भेज देगा इसको, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर 10.1 की आईपी असाइंड है पहले से, ठीक है, तो वो इसका क्या करेगा, रिप्लाई, ग्रेशियस आर्क का क्या करेगा, रिप्लाई। इससे जब ये रिप्लाई इधर आएगा तो इस पीसी को पता चल जाएगा कि 10.1 ऑलरेडी इस नेटवर्क में लोकेटेड है। समझ पा रहे हो? अगर रिप्लाई नहीं आता 2 सेकंड के अंदर अंदर, कितनी देर में, 2 सेकंड के अंदर अंदर, विद इन 2 सेकंड्स द रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड, देन द सिस्टम विच हैज जनरेटेड द ग्रेशियस आर्क विल असाइन द आईपी ऑन इटसेल्फ, क्लियर। अगर देखो मैंने क्या बोला, पहले तो जब भी एक आईपी आप साइन करोगे तो वो एक ग्रेशियस आर्क जनरेट करेगा टू चेक द डुप्लीकेसी ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। वो डुप्लीकेसी चेक कैसे चेक करेगा, अब कोई नाम थोड़ी ना लिख के भेजेगा कि मैं ग्रेशियस आर्क हूं, ठीक है। वो सिर्फ ये लगाएगा कि सोर्स आईपी के अंदर और डेस्टिनेशन आईपी के अंदर दोनों की आईपी जो आप असाइन कर रहे हो वो सेम कर देगा, जिससे क्या होगा कि जब इस पीसी के ऊपर ऑलरेडी असाइंड होगा तो वो देखेगा कि यार पैकेट मेरा मेरे पास ही आ गया। देखो इस पीसी के ऊपर क्या आईपी है, 10.1, तो वो देखेगा कि चलो ठीक है ये पैकेट मेरे लिए तो है लेकिन सोर्स भी मेरा ही है, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ पा रहे हो? लेकिन जो सोर्स मैक आया 2A33 वाला, 2AA3 वाला, ये मेरा नहीं है, तो मतलब इस नेटवर्क में कोई इस मैक एड्रेस वाला पीसी अपने आप पे सेम आईपी असाइन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, उसका रिप्लाई, अगर रिप्लाई आ जाता है तो वो ये सिस्टम कभी भी उस आईपी को असाइन होने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 सेकंड के अंदर रिप्लाई नहीं आता, मतलब वो कितनी देर वेट करेगा, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बाद ये सिस्टम अपने ऊपर 10.1 की आईपी असाइन कर लेगा, ठीक है। लेकिन नेटवर्क में अगर 10.1 है ही नहीं तो ऑब्वियसली रिप्लाई आएगा भी नहीं, ठीक है, नहीं तो 2 सेकंड में उसको रिप्लाई करना ही पड़ेगा जो भी नेटवर्क में उस आईपी को बिलोंग, उस आईपी से बिलोंग करता है, क्लियर, क्लियर है सबको। तो इसी वजह से
इसी वजह से आपका यहाँ पे जो मैक एड्रेस लर्न हुआ वो किसकी वजह से लर्न हुआ, ग्रेशियस ऐप की वजह से, क्लियर। क्योंकि मैंने ना तो यहाँ पे कोई पिंग भेजा, ठीक है, ना कोई पैकेट भेजा मैनुअली, ठीक है, ये अपने आप गया जस्ट टू चेक द डुप्लीकेसी ऑफ आईपी एड्रेस। अब मैं यही आईपी क्या करने की कोशिश करूंगा, दूसरे सिस्टम पे असाइन करने की कोशिश करूंगा 10.1, ठीक है, 10.1, ठीक है, क्या कह रहा है, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। किसकी हेल्प से पता चला इसको, ग्रेशियस ऐप, इसने ग्रेशियस ऐप जनरेट करी और उसके थ्रू इसको पता चल गया कि आईपी ऑलरेडी असाइंड है तो असाइन होने नहीं देगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आईपी दे रहा हूं 10.002, ठीक है, कर दिया। अब मैं क्या आईपी दे रहा हूं 10.002, अभी आईपी ले ली इसने, ठीक है। अब स्विच पे आ जाओ, अब इसने दोनों मैक एड्रेस लर्न कर लिए, मैंने कोई पैकेट नहीं भेजा फिर भी मैक एड्रेस ऑलरेडी लर्न है, क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि मैंने डायनेमिकली लर्न किया दोनों को, डायनेमिकली मतलब मेरे को किसी ने कहा नहीं था लेकिन मैंने उसको लर्न कर लिया, ठीक है। 2883 कहाँ पे लर्न किया, कौन से पोर्ट पे, F01, ठीक है, ये कौन सा पोर्ट है, F01, ठीक है। और 7983 कौन से पोर्ट पे लर्न किया, F02, क्लियर है सबको। अब कुछ बेसिक रूल्स आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देख लो ये 2960 है तो ये कह रहा है कि मैं 8000 मैक एड्रेस लर्न कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिफाइंड होता है, हर एक प्लेटफॉर्म का वर्जन के अकॉर्डिंग भी ये चेंज होता रहता है, ठीक है। सो कहीं आप 6000 मान के चल जाओ, कहीं लर्न मत कर लेना कि 6000 ही होते हैं, ठीक है, ये हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना डिफाइंड है ऑलरेडी, ठीक है। देखो अब बात यह आती है कि हाउ लॉन्ग अ स्विच कैन लर्न, और कैन कीप मैक एड्रेस एंट्री इन अ कैम टेबल, ठीक है। इसका आंसर है 300 seconds, ठीक है, ये क्या है आपकी डिफॉल्ट, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसको कहते हैं एजिंग टाइम, इसको क्या कहते हैं, एजिंग टाइम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज एक स्विच ने दो मैक एड्रेस लर्न कर रखे हैं, ये हट गए होंगे अब तक तो, 5 मिनट हो गए ना, देखो एक स्विच अगर एक स्विच डायनेमिकली एंट्री ले रहा है, मतलब अगर कोई स्विच कोई मैक एड्रेस को डायनेमिकली लर्न करता है तो उसके लिए एक टाइम स्टैम्प होता है जिसको हम कहते हैं एजिंग टाइम, क्या कहते हैं, एजिंग टाइम, ठीक है। वो टाइम स्टैम्प क्या होता है कि अगर 300 सेकंड तक जो मैंने एंट्री की है, मैक एड्रेस लर्न किया है, उससे कोई फ्रेम नहीं आता या वो एंट्री आइडल पड़ी हुई है, ठीक है, आइडल पड़ी हुई है मतलब 300 सेकंड से तक, मतलब अगले 5 मिनट से कोई फ्रेम नहीं आया उसके लिए, तो मैं उस एंट्री को अपनी कैप टेबल से रिमूव कर दूंगा क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड स्पेस है, ठीक है। तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि कोई एंट्री अगर एक बार लर्न कर ली तो ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा जिंदगी भर के लिए रखूंगा, हो सकता है वो आगे कभी आए ही ना, या हो सकता है मैंने किसी यूजर को टेम्पररी एक्सेस दिया हो, ठीक है, और वो मैक एड्रेस अगर लर्न हो गया तो ऐसे तो फिर मेरी मैक एड्रेस टेबल पूरी भर जाएगी। तो क्या होता है डायनामिक एंट्रीज के लिए, इसके लिए डायनामिक एंट्रीज के लिए एक टाइम स्टैम्प होता है कि अगर उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस से 300 सेकंड तक कोई फ्रेम दोबारा नहीं आता तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा,
लेकिन अगर मान लो 150 सेकंड हो चुके हैं उस एंट्री को हैंडल करने के, लेकिन आफ्टर 150 सेकंड द फ्रेम हैज बीन रिसीव्ड, अ न्यू फ्रेम हैज बीन रिसीव्ड, द टाइम स्टैम्प विल अगेन बैक अगेन विल गेट बैक टू 0 मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 300 सेकंड टाइम स्टैम्प क्या होता है, 0 से जैसे ही एंट्री लाना होती है उसके लिए एक टाइमर शुरू हो जाता है, 0 1 2 3 वो 300 सेकंड तक चलता रहता है। ठीक है, अगर उस फ्रेम के लिए उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए कोई फ्रेम आ गया इन बिटवीन 300 सेकंड, देन द टाइम स्टैम्प विल गेट रिफ्रेश्ड, ओके इट विल गेट बैक टू 0। लेकिन अगर नहीं आता है 300 सेकंड तक भी उस एंट्री को मैं क्या करूंगा, ठीक है, लेकिन किसके लिए बोला मैंने ये डायनामिक एंट्रीज के लिए। अब आप देख सकते हो कि जो मैक एड्रेस लर्न हुए थे यहाँ पे वो रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ 5 मिनट हो गए, ठीक है, और उससे दोबारा कोई फ्रेम ना तो आया ना तो गया, तो वो टाइम क्या, वो क्या हुआ उसके लिए एजिंग टाइम खत्म हो चुका है, उसने इमिडिएटली उस उन एंट्रीज को क्या कर दिया, रिमूव, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि लेट सपोज आपने एक स्विच लगा रखा है और उसके ऊपर एक मैक एड्रेस लर्न हुआ 0A, ठीक है, ये पोर्ट नंबर 1 था, ये पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2, ठीक है, तो 1 पे लर्न हुआ 0A और 2 पे लर्न हुआ 0B, ओके, तो दोनों के लिए टाइमर शुरू हो गया, इसके लिए हो चुका था 150 सेकंड्स, इसके लिए हो चुका था 200 सेकंड्स आइडल पड़े हुए, ठीक है, इनका आइडल टाइम आउट कितना हो चुका है 150 सेकंड्स और इसका आइडल टाइम आउट कितना हो चुका है 200 सेकंड्स। क्लियर, क्लियर है सबको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये लिंक ही निकाल दिया, मतलब तार ही निकाल दी स्विच से, ठीक है, इमीडिएटली इसका क्या होगा, प्रोटोकॉल डाउन, यस और नो, जैसे ही स्विच, देखो याद है आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था स्टेटस अप प्रोटोकॉल अप, ठीक है, उसमें क्या होगा जैसे ही ये लिंक डाउन होगा, ये लिंक हटा दूंगा उसी वक्त उसका क्या होगा, प्रोटोकॉल डाउन, उसी वक्त चाहे इसका टाइम हो चुका हो चाहे ना हो चुका हो ये भी एंट्री को क्या कर देगा, रिमूव। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैंने जो केबल निकाली उसके बाद दोबारा निकाली तो उसके वो मैक एड्रेस लर्न रहेगा या रिमूव होगा, तो जैसे ही आप पहली तार निकालोगे, ठीक है, वो उसी वक्त उस पोर्ट पे लर्न की हुई एंट्री को रिमूव कर देगा। क्लियर, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये किसके लिए था, आपकी ये दोनों केसेस थे आपके डायनामिक एंट्रीज के लिए, किसके लिए, डायनामिक एंट्रीज के लिए। अब बात करते हैं स्टैटिक एंट्रीज की जो हम मैन्युअली देते हैं, ठीक है, स्टैटिक एंट्रीज के लिए कोई भी एजिंग टाइम नहीं होता, नो एजिंग टाइम फॉर स्टैटिक एंट्रीज। अगर आपने कोई एंट्री या कोई मैक एड्रेस लर्न करवाया है स्टैटिकली, स्विच को लर्न करवाया है, तो उसके लिए कोई एज आउट टाइम नहीं चलता, चाहे पैकेट आए चाहे ना आए, क्लियर, वो एंट्री हमेशा रहेगी। लेकिन फिर वही बात करूंगा, अगर आपने उस पर्टिकुलर पोर्ट पे, जैसे मान लो आपने 0A लर्न करवाया था, यहाँ पे 0A लर्न करवाया स्टैटिकली, ये क्या है, एक स्टैटिक एंट्री, ठीक है, अब आपने प्रोटोकॉल मतलब लिंक वापस से निकाल दिया, प्रोटोकॉल डाउन होगा, ये स्टैटिक एंट्री रिमूव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिमूव, ठीक है। लेकिन जब कोई भी मान लो आपने ये हटा के आपने कोई नया डिवाइस लगाया 0C और इस केबल से लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, जो पहले जिसपे पहले क्या था 0A, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये कहेगा कि मेरे एक पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 1 पे 0A भी लर्न है 0C भी लर्न है, लेकिन ये एंट्री है स्टैटिक और ये एंट्री है डायनामिक, समझ पा रहे हो। देखो स्टैटिक एंट्री प्रोटोकॉल डाउन होते ही वो कैम टेबल से तो रिमूव हो जाती है, लेकिन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चलती रहती है, ठीक है,
तो जैसे ही उसका वापस से प्रोटोकॉल अप आएगा, चाहे आपने कोई दूसरा पीसी लगाया हो, ठीक है, तो वो दो वापस से वो 0A की एंट्री को वापस से कैम टेबल में लोड कर देगा। लेकिन 0C लगाया हुआ है अब तो 0C भी उस पर लर्न कर लेगा। और रूल क्या कह रहा है कि एक पोर्ट पे मल्टीपल मैक एड्रेसेस लर्न किए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो 0A कभी वापस नहीं आने वाला, ठीक है, तो आप उस स्टैटिक एंट्री को क्यू करेंगे, ठीक है। तो 95% ऑफ द केसेस में स्टैटिक एंट्री नहीं की जाती, लेकिन 5% ऐसे कौन से केसेस है जिसमें स्टैटिक एंट्री की जाती है, जैसे आपने कोई सर्वर लगा रखा है, जैसे कोई आपने नेटवर्क प्रिंटर लगा रखा है, ठीक है, तो इन केसेस में आप स्टैटिक एंट्रीज करते हैं। लेकिन उन जैसे आपने कोई राउटर लगा रखा है कि राउटर इसी पोर्ट पे रहेगा हमेशा, ठीक है, तो वहां पे भी आप स्टैटिक एंट्री करवा सकते हो कि कोई एंट्री कोई राउटर से कोई फ्रेम ना है बार बार पे, तो वहाँ पे हम स्टैटिक एंट्रीज करते हैं। लेकिन सर्वर्स के केसेस में, प्रिंटर्स के केसेस में, राउटर्स के केसेस में स्टैटिक एंट्री करनी क्यों पड़ती है? क्योंकि इसलिए, क्योंकि अगर एक पोर्ट पे, एक स्विच के पोर्ट पे कोई मैक एड्रेस लर्न है, जैसे वो पोर्ट नंबर 1, 2 या 3 या 4, ये क्या था आपका सर्वर, ठीक है, इसका मैक एड्रेस है 0D, ये पीसी है, ये पीसी है, ये पीसी है, 0A 0B 0C, ठीक है। पीसी के लिए तो डायनेमिक एंट्री होने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूजर तो कभी आएगा, चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा, वहां तो डायनेमिक एंट्रीज रहने दो, ठीक है, अगर वो नहीं भेजेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी अगर लेट सपोज आपने कहा पोर्ट नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है, पोर्ट नंबर 1 पे कौन सा है 0D स्टैटिक, ठीक है, पोर्ट नंबर 2 पे 0A डायनेमिक, 3 पे 0B डायनेमिक, 4 पे 0C डायनेमिक, ओके, तो होगा क्या, लेट सपोज इसका टाइम स्टैम्प खत्म हो गया 300 सेकंड का, ये एंट्री इमीडिएटली क्या होगी, रिमूव। लेकिन अब 0B ने क्या किया, अब अगला स्टेप आता है स्विच का फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है, अ स्विच फॉरवर्ड्स अ फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन ईथरनेट फ्रेम। मतलब फॉरवर्डिंग किस बेसिस पे होती है, देखो लर्निंग किस बेसिस पे होती है, सोर्स मैक एड्रेस के बेसिस पे, फॉरवर्डिंग किस बेसिस पे होती है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज पहले एंट्री थी 0A की, अब 0B ने जो पैक फ्रेम भेजा यहाँ से, उसमें सोर्स मैक क्या लगाया 0B और डेस्टिनेशन मैक क्या लगाया 0A, ठीक है। अब इसने जैसे ही यहाँ पे रिसीव करेगा फ्रेम को, इसको पता है 0B ऑलरेडी लर्न है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 0A की एंट्री टाइम स्टैम्प ना होने की वजह से रिमूव हो गई थी, क्या हो गई थी, रिमूव, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 0A का फ्रेम, अब स्विच को नहीं पता कि कहाँ पे लोकेटेड है उसकी 0A एक्चुअली में लोकेटेड कहाँ है, ठीक है, तो उसको मैक एड्रेस नहीं मिलने की वजह से वो फ्रेम को क्या कर देगा, इसको कहते हैं फ्लडिंग, और इसका एक्चुअल नाम होता है अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग मतलब व्हेन द फ्रेम वाज सेंट एज यूनिकास्ट बट सिंस द मैक एड्रेस वाज अननोन सो आई नीड टू फ्लड द पैकेट थ्रू ऑल माय एक्टिव पोर्ट्स। ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, दिस इज नॉट कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, दिस इज कॉल्ड फ्लडिंग। एक बहुत मामूली सा डिफरेंस है ब्रॉडकास्टिंग में और फ्लडिंग में, वो अभी बताऊंगा मैं। क्लियर है सबको? ये क्या कर देगा, फ्लड आउट कर देगा अपने सारे एक्टिव पोर्ट्स पे। इसी वजह से कि जब सर्वर का अगर मैक एड्रेस लर्न नहीं होगा या किसी वजह से रिमूव हो गया,
और सर्वर पे तो ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, और उसका मैक एड्रेस लर्न हो गया तो वो किसी और के पास भी जा सकती है, यस और नो, समझ पा रहे हो? इसीलिए सर्वर्स, राउटर्स या प्रिंटर्स के केसेस में हम स्टैटिक मैक एड्रेस एंट्री करते हैं अपने स्विच के ऊपर, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से स्टैटिक मैक एड्रेस एंट्री होती है। क्लियर है सबको? क्लियर है, ठीक है। देखो, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, कमांड क्या है इसमें? कमांड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, ठीक है, कमांड होती है शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। इस कमांड से आप देख सकते हो जो डिफॉल्ट एजिंग टाइम है वो कितना है, 300 सेकंड्स का। अगर आपको ये एजिंग टाइम कम करना है या बढ़ाना है, या आप इसको चाहते हो कि कोई एजिंग टाइम चले ही ना डायनेमिक एंट्री के लिए भी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्फिगरेशन मोड में जाओ, ठीक है, मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम यहाँ पे सेट कर दो, वैल्यू है 10 से लेकर मिनिमम 10 सेकंड और मैक्सिमम कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 लाख सेकंड्स, ठीक है, आप इसको सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट कितना होता है, 300 सेकंड। लेकिन अगर आप इसको जीरो कर देते हो तो ये क्या कह रहा है कि जीरो से क्या होगा, एजिंग टाइम ही डिसेबल हो जाएगा। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर एंट्री के लिए आप नहीं कर सकते हो, ये क्या होगा, पूरी की पूरी कैम टेबल के लिए हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि इस पोर्ट पे एजिंग टाइम ना चले, ऐसा नहीं हो सकता, या तो पूरे स्विच पे सेम टाइम चलेगा या तो नहीं चलेगा, या तो जितना आपने सेट किया उतना चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता पर्टिकुलर पोर्ट पे एजिंग टाइम इतना। मतलब नहीं 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 नहीं, जीरो से जीरो रहेगा। अगर मान लो मैं कर रहा हूँ 1000, ठीक है, या 10,000 कर रहा हूँ, ठीक है, तो डू शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, अब कितना हो गया, 10,000 हो गया वो। लेकिन वो सारी एंट्रीज, सारी डायनेमिक एंट्रीज के लिए, वो किसके लिए हो जाएगा, सारी डायनेमिक एंट्रीज, किसी एक पर्टिकुलर एंट्री के लिए नहीं। क्लियर है सबको, ठीक है। अब मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक एंट्री कैसे करते हैं, देखो, लेट सपोज मैंने कमांड के देनी है मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक। डायनेमिक तो आपको पता है ऑटोमेटिकली लर्न हो रही है, कोई कमांड नहीं कुछ नहीं, लेकिन स्टैटिक एंट्री के लिए मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, ठीक है, जो भी आपको मैक एड्रेस लर्न करवाना है वो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, मैक एड्रेस, लेकिन किस फॉर्म में, HHH। यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि आपको हेक्साडेसिमल फॉर्म में देना है, लेकिन कैसे देना है, जैसे आपने दिया 000 चार बिट में, मतलब पहले लिखोगे चार डिजिट्स, फिर लगाओगे डॉट, ठीक है, फिर अगली चार डिजिट, फिर लगाओगे डॉट, फिर अगली चार डिजिट, मैंने बंद दे दिया मैक एड्रेस, क्लियर, ठीक है। फिर आपको उसको बताना है, देखो अभी वीलैन की हमने बात नहीं करी, तो आप उसको वीलैन वन ही दे दो, ठीक है, आगे जब हम वीलैन की बात करेंगे वीलैन क्या होता है, तो आप उसको वीलैन भी दे सकते हो, जिसको पता है उसको पता लग गया होगा कि वीलैन असाइन क्या करना है। फिर आपको देना है इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पे लर्न करवाना है, जैसे मैं चाहता हूँ E00 पे लर्न हो, ठीक है, तो अब देखो डू शो मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक या मैक एड्रेस टेबल कर देता हूँ, तो ये जो मैक एड्रेस टेबल, ये जो मैक एड्रेस है, ये क्या लर्न हो चुका है स्टैटिकली, कौन से बोर्ड पे, E00 पे, लेकिन ये एंट्री कभी भी रिमूव नहीं होती, लेकिन प्रोटोकॉल अगर डाउन जाएगा तो ये एंट्री भी डाउन चली जाए। क्लियर है सबको? यहाँ पे रिज्यूम कर देता हूँ मैं, अब ये एंट्री आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, स्टैटिक मैक एड्रेस बाइंडिंग के लिए, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से आया था, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना तब पॉज किया, नो वाला नहीं आया। चलो ठीक है, ये समझ में आया, लर्निंग और फॉरवर्डिंग, ठीक है। अब इसी पे हम क्या एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं आज, कि मेरे पास क्या है, 2 PC है, ठीक है, मैं यहाँ से वहां पिंग कराना चाहता हूँ, तो इसका हमें क्या पढ़ना है, पैकेट फ्लो, क्या पढ़ना है, पैकेट फ्लो, ठीक है। तो पैकेट फ्लो के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है, विच इज कॉल्ड आईपी राउटिंग, विच इज कॉल्ड
ठीक है, हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस। क्या चाहिए? डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क मतलब, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैंने क्या किया, यहां पे ध्यान से देख लेना गाइस, ये आपकी वीडियो में भी आ रहा है लिखा हुआ, तो घर जाके नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि एक नेटवर्क, ठीक है, शुरू करते हैं। अब मुझे यहां से वहां पिंग करना है, इस पहले इस स्विच पे देख लेते हैं पहले, कोई मैक एड्रेस लर्न है अभी? शो मैक एड्रेस टेबल, कोई भी मैक एड्रेस लर्न नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर है सिम्युलेटर मोड में, मैं इसको कर दूंगा जिससे हम एक एक पैकेट कैसे ट्रेवल कर रहा है उसका फ्लो जान सकते हैं। ठीक है, पैकेट रेसर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम पैकेट रेसर में एक एक पैकेट का फ्लो जान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको कहा कि किसी भी पैकेट को एक कम्युनिकेशन करवाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, उसका डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस, मतलब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यहाँ पे मैं करता हूँ पिंग। क्या करूंगा, पिंग। डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस क्या है, 10.002। ठीक है, होगा क्या, जब मैं यहाँ से पिंग करूंगा तो ये एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? आईसीएमपी, याद है ना सबको। उसमें इको रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। इको रिक्वेस्ट आपकी किस में इनकैप्सुलेट होगी, आपकी आईपी पैकेट में। आईपी पैकेट में सोर्स फील्ड क्या होगी, 10.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, 10.2। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, देखो सोर्स तो मेरे को पता होगा और डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस भी पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जरूरी है। अब ऐसा नहीं हो सकता, देखो मेरे को अगर आपको लेटर भेजना है तो मुझे आपका नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। एड्रेस पता होना हो वो तो मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, प्लस मुझे ये पता होना चाहिए कि आप तक कांटेक्ट कैसे करना है, अगर मुझे आप तक कुरियर करना है तो। ये सुनो, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कुरियर करना है लेकिन पता नहीं है किसको कुरियर करना, नाम ना, ना पता ना कोई लोकेशन, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यहाँ पे क्या चाहिए, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस। उसका मैक एड्रेस हो ना हो वो हम पता लगा लेंगे विद द हेल्प ऑफ आर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, विच इज यूज टू जनरेट द डेस्टिनेशन और रिजॉल्व द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विद द हेल्प ऑफ गिवन आईपी एड्रेस। अंडरस्टूड? अब आईपी एड्रेस तो गिवन है, तो सोर्स मैक क्या लगाएगा? ये शायद हमने थोड़ा बेसिक किया भी था, 2AA3। और डेस्टिनेशन मैक क्या लगाएगा? रुक जाओ। यहाँ पे जो आईसीएमपी पैकेट जनरेट किया है यहाँ तो उसको पता ही नहीं है, तो ये पैकेट को क्या करेगा, होल्ड कर देगा। पैकेट क्या कर देगा, होल्ड। और होल्ड करने के बाद एक पैकेट जनरेट करेगा विच इज कॉल्ड आर। सोर्स आईपी 10.1, टारगेट आईपी 10.2। ठीक है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक याद है, 0x12। ओके, फिर ये जो पैकेट है किसमें इनकैप्सुलेट होगा, ईथरनेट फ्रेम में। ठीक है, ईथरनेट फ्रेम में सोर्स मैक क्या लगेगा, 2A 2AA3। और डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा, F x 12। क्लियर? तो ये पैकेट आईसीएमपी होल्ड भी किया जाएगा और ये पैकेट आर के थ्रू जनरेट किया जाएगा। ठीक है, वो देख लेते हैं कैसे। तो अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको एंटर। ठीक है, तो एंटर करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि क्या इसने जो मैंने कहा कि इसको आर्प के बारे में या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता था, वो कैसे इसको पता चला कि इसको नहीं पता चला या इसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, विद द हेल्प ऑफ आर्प टेबल। तो आर्प टेबल कैसे देख सकते हैं पीसी पे, आर्प स्पेस माइनस ए। अभी ये क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई आर्प एंट्री नहीं है, तो अगर मैं पिंग करूंगा तो उसको आर जनरेट करनी पड़ेगी। उसको कैसे पता चलेगा कि आर जनरेट करनी है कि नहीं करनी, विद द हेल्प ऑफ आर टेबल। क्लियर? ठीक है, तो अब मैं वापस से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पिंग 10.002। ठीक है, इसने क्या किया, एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट किया। ठीक है, ये देख लो, ये आईसीएमपी पैकेट था, इसने क्या जनरेट किया, आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट। मैं इसको जूम नहीं कर पाऊंगा तो
अगर कोई लाइन ना नजर आ रही है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा, एक पिंग रिक्वेस्ट जनरेट की, पिंग प्रोसेस क्रिएट्स एन आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट मैसेज एंड सेंसर टू द लोअर प्रोसेस। लोअर प्रोसेस मतलब लोअर लेयर, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। इको रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद सोर्स आईपी लगाई, डेस्टिनेशन आईपी लगाई और डेटा लिंक पे भेज दिया। सोर्स आईपी एड्रेस इज नॉट द डिवाइस सेट्स इट टू द पोर्ट्स, द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज इन द सेम सबनेट, द डिवाइस सेट्स द नेक्स्ट हॉप टू द डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब उस वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगा रहा था तो उसने आर टेबल चेक करी और उसको ये नहीं पता चला कि मैक एड्रेस क्या है डेस्टिनेशन का, ताकि वो डेटा लिंक फ्रेम को पूरा कर पाए। क्लियर। अब डेटा लिंक फ्रेम था नहीं, मतलब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस था नहीं, तो वो डेटा लिंक फ्रेम बना नहीं पाया। दिख रहा है यहाँ पे कहीं फ्रेम नजर आ रहा है? नहीं, ठीक है। तो वो इस पैकेट को क्या कर दिया, होल्ड पे, ये जो वाला पैकेट है जिसके ऊपर ये पॉज का बटन लगा हुआ है, पॉज नजर आ रहा है, ये क्या किया, इसको पॉज कर दिया, मतलब रोक दिया, होल्ड कर दिया। फिर क्या जनरेट करी, आर्प, ये ग्रीन पैकेट क्या है, आर्प पैकेट है, ठीक है। द आर्प प्रोसेस कंस्ट्रक्ट्स अ रिक्वेस्ट फॉर द टारगेट आईपी एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस 2AA3, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 12xF। ये कौन सा पैकेट है, ईथरनेट हेडर है, ठीक है। आर्प पैकेट अगर देखना है तो यहाँ देखो, आर्प पैकेट सोर्स आईपी यहाँ पे लिखी हुई है 10.1 और टारगेट आईपी नीचे लिखी हुई है 10.2। सोर्स मैक क्या लिखा हुआ है, 2AA3 और टारगेट मैक क्या लगा हुआ है, 12x0, ठीक है। फिर वो इनकैप्सुलेट हुआ किसमें, ईथरनेट फ्रेम में। सोर्स मैक क्या है, 2AA3 और डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट 12xF। लेयर 3 ब्रॉडकास्ट, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट, याद है ना, सबको बताया था, ठीक है। अब ये पैकेट क्या हुआ, स्विच के पास गया, ठीक है। स्विच ने एक फ्रेम रिसीव किया और स्विच का काम क्या है कि जब भी एक फ्रेम को रिसीव किया जाएगा वो रिसीवर का मैक एड्रेस को लर्न कर लेगा डायनेमिकली। तो उसने 2AA3 को क्या कर लिया, लर्न। अब उसका क्या काम है, अगला स्टेप फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग किस बेस पे करता है, डेस्टिनेशन मैक के बेस पे। तो डेस्टिनेशन मैक क्या था, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो ये इसको क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट। तो फर्क है ब्रॉडकास्ट और फ्लडिंग में। अगर यहाँ पे मान लो एक स्विच से और भी स्विच और भी पीसीज लगे होते, ये भी एक पीसी है, ये भी एक पीसी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पैकेट यहाँ तो जाता ही जाता है, यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पे भी जाता है, बस इसको छोड़ के। तो एक स्विच का एक और रूल होता है कि स्विच फॉरवर्ड्स द फ्रेम, स्विच व्हेन मेक्स अ फॉरवर्डिंग डिसीजन वेदर इट इज ब्रॉडकास्ट और नीड्स टू बी फ्लडेड आउट, देन द पैकेट द पैकेट्स द फ्रेम विल बी सेंट आउट थ्रू ईच एंड एवरी पोर्ट एक्सेप्ट द पोर्ट ऑन विच इट हैज बीन रिसीव्ड। जहां से रिसीव हुआ उसको छोड़ के बाकी सारे एक्टिव पोर्ट पे क्या कर देगा, या तो फ्लडिंग कर देगा या ब्रॉडकास्टिंग कर देगा। फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, जब फ्लडिंग का मतलब या तो पैकेट यूनिकास्ट भेजा हो लेकिन मैक एड्रेस लर्न होने की वजह से, ना होने की वजह से उसको फ्लड आउट कर दिया गया हो, ठीक है, उसको कहते हैं फ्लडिंग। व्हेन द फ्रेम वाज इंटेंडेडली सेंट एज यूनिकास्ट बट द मैक एड्रेस बट द पैकेट हैज बीन ब्रॉडकास्टेड आउट टू ऑल द एक्टिव पोर्ट्स, उसको क्या कहेंगे, फ्लडिंग। लेकिन व्हेन द फ्रेम वाज सेंट एज इंटेंडेडली सेंट एज ब्रॉडकास्ट, भले ही मैक एड्रेस लर्न हो चाहे ना हो, उस केस को हम क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्ट। दोबारा से बोल रहा हूं, जब एक फ्रेम को इंटेंडेडली भेजा जाए एज अ ब्रॉडकास्ट, ठीक है, लेट्स सपोज से मेरे को पता है इतने कॉल है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, सुनो सारे सब के लिए, ठीक है। लेकिन वो क्या हो गया, इंटेंडेडली आई एम सेंडिंग द फ्रेम एज ब्रॉडकास्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे आदित्य पता ही नहीं है, तो उसके लिए मेरे को ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लडिंग। व्हेन द फ्रेम वाज इंटेंडेडली सेंट एज ब्रॉडकास्ट इट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, बट व्हेन द फ्रेम वाज सेंट एज यूनिकास्ट बट द मैक एड्रेस वाज नॉट लर्नड और वाज नॉट नोन, इन दैट केस द पैकेट विल बी फ्लडेड आउट थ्रू ऑल द एक्टिव पोर्ट्स एक्सेप्ट द पोर्ट ऑन व्हिच द फ्रेम वाज रिसीव्ड। ठीक है, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस नजर आएगा इसमें, लेकिन ये बड़ा डिफरेंस है फ्लडिंग में और ब्रॉडकास्टिंग में, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, पैकेट इंटेंडेडली ही भेजा गया एज अ ब्रॉडकास्ट, तो वो क्या भेजेगा उसको, अब जिस पे रिसीव हुआ उसको छोड़ के अब एक ही एक्टिव पोर्ट बचा है, ठीक है,
ठीक है, तो अब एक ही पोर्ट है, एक ही एक्टिव पोर्ट बचा है, तो उसी पे ब्रॉडकास्टिंग होगी। अगर 10 पोर्ट और लगे होते, एक्टिव होते, तो वो बाकी 10 पे भी ब्रॉडकास्टिंग करता। ठीक है, आया है इस पे, ठीक है। लेकिन अभी क्या स्विच को पता है उसका मैक एड्रेस? नहीं ना, क्योंकि उसने तो कोई फ्रेम भेजा ही नहीं, अभी तो एक ही मैक एड्रेस लर्न है। ठीक है, लेकिन अब ये पीसी ने क्या किया, ध्यान से देखो, इनबाउंड पीडीओ और आउटबाउंड पीडीओ, पीडीओ का मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इनबाउंड पे देखो, इनबाउंड पे वही पैकेट एज इट इज जो रिसीव किया इसने, आउटबाउंड का मतलब जो इसने रिप्लाई किया, आर्प रिप्लाई। ठीक है, तो आर्प रिप्लाई मैंने आपको बोला था इज ऑलवेज यूनिकास्ट, आर्प रिप्लाई क्या होता है, हमेशा यूनिकास्ट। क्यों? क्योंकि देखो सोर्स मैक तो उसको पता लग गया जब वो फ्रेम में आया, ये सॉरी इनबाउंड में सोर्स मैक उसको पता लग गया ना। ठीक है, और ये क्या थी, आर्प रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले ये पीसी क्या करेगा, जैसे ही इसके पास एक मैक एड्रेस आएगा, बजाय अगली बार ये आर्प जनरेट करे, ये अपनी आर्प टेबल को अपडेट कर लेगा इमीडिएटली। क्या कर लेगा? इमीडिएटली आर्प टेबल को अपडेट कर लेगा। नहीं तो ऐसे तो फिर मेरे को तुम्हारे, अब मैंने कहा कि मेरे को आदित्य से बात करनी है, मैं कौन हूँ? रजत। अब मुझे वो ये नहीं पूछेगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता चल गया कि रजत से बात हुई है, यस और नो? ठीक है, अब मान लो फोन करते हो, कोई अननोन कॉलर है, ठीक है, वो आप उससे पूरी बात बात कर लेते हो, लेकिन पता ही नहीं है कौन था कौन नहीं, ऐसा होता है कभी? हो भी सकता है, हाँ कर रहे हो ऐसा हो भी सकता है कि फोन आया, उसने पूछा, हाँ भाई अगर मैं कौन कौन है, क्या क्या काम करते हो, ठीक है, हाँ वही सब कुछ बता दिया, पता, फिर घर वालों ने पूछा कौन था, पता ही नहीं ऐसा बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी सिस्टम क्या करता है, जैसे ही उसके पास फ्रेम आता है, तो वो ये जान लेता है कि ये फ्रेम आया कहाँ से, तो उस इंफॉर्मेशन को अपने पास क्या कर लेगा, स्टोर। ठीक है, तो उसने जैसे ही ये फ्रेम आया, उसने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया कि 10.1 का मैक एड्रेस क्या है, 2883, क्योंकि जब ये रिप्लाई करेगा तो ये पैकेट को कैसे भेज सके, यूनिकास्ट। प्लस अगली बार जब कोई यहाँ से भी तो आईसीएमपी जा सकता है, तो वो उसको आर जनरेट करने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? तो इसने आपको आपका रिप्लाई किया, पैकेट गया स्विच के पास। ठीक है, स्विच ने इसको रिसीव किया, और रिसीव करते ही मैक एड्रेस लर्न कर लिया। अब फॉरवर्डिंग करनी है, फॉरवर्डिंग के लिए जो डेस्टिनेशन मैक लगा हुआ था इसमें, ध्यान से देखो, वो क्या लगा हुआ था, 2883। ठीक है, तो क्या इसको ये पता है कि 2883 कहाँ लर्न है? ठीक है, तो ये पैकेट को क्या भेज रहा है, यूनिकास्ट। क्लियर है? ये थोड़ा सा क्लियर तब होगा जब मैं यहाँ पे एक स्विच, एक पीसी और लगा दूंगा। ठीक है, लगा दूं, अब तो मैक एड्रेस लर्न हो गए ना। अब यहाँ पे जो ये वाला पीसी है, पहले ये स्टेप पूरा कर लेते हैं, ये जो वाला जो पीसी है जहां से हमने पिंग भेजा था, इसकी आर्प टेबल देखो, आर्प माइनस ए 10.2 मैक एड्रेस लर्न हो चुका है। ठीक है, नाउ द डेटा लिंक फ्रेम कैन बी कम्प्लीटेड अपडेट, सो आईसीएमपी को आईपी प्रोटोकॉल, सॉरी आईपी हेडर तो पूरा था ही पहले, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी पता थी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक भी अब पता चल गया, हो गया फ्रेम पूरा। ठीक है, अब वो बाहर पैकेट को भेज सकता है, तो इसने आईसीएमपी तैयार किया, पैकेट गया, स्विच ने उसको लर्न किया, वो मतलब स्विच पे लर्न था ऑलरेडी, और फॉरवर्डिंग करने के लिए देखा उसने 7983, क्या मेरे पास मैक एड्रेस लर्न है 7983 का, स्विच देखेगा कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी लर्न है 7983, कौन से पोर्ट पे, F02 पे, उसको मैंने कहाँ फॉरवर्ड करना है, F02। फिर ये क्या करेगा, आईसीएमपी इको रिप्लाई। ठीक है, ये रिप्लाई आ गया, तो पैकेट आपका पूरा सक्सेसफुल कनेक्टिविटी हो गई। क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहाँ पे मैं, ये क्या हो गया, पैकेट क्यों ड्रॉप हुआ, ठीक तो है, अच्छा वो एक्चुअली इसलिए ड्रॉप हुआ क्योंकि मैंने आपको बताने के चक्कर में ना यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया था, मतलब प्रोसेस को बंद कर दिया था, ये देख रहे हो,
प्रोसेस को बंद कर दिया था, इसलिए वजह से इसने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मतलब ये आर्प एंट्री दिखाने के लिए मैंने प्रोसेस को बंद कर दिया था, इस वजह से उसने उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपका, कौन सी ये वाली आर्प की? अच्छा, वो जैसे ये खोलोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, ये पैकेट जो आ रहे जा रहे हैं आपके, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारी इनबाउंड पीडीयू, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इस पैकेट के अंदर इन्फॉर्मेशन लग के क्या जा रही है। अरे नहीं, सिस्टम को तो पता है। अरे अब प्रोसेसर बेस्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ पैकेट इन्फॉर्मेशन है। प्रोसेसर पे क्या काम हो रहे हैं वो आप वो नहीं देख सकते आप इस पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया ना, कंट्रोल सी करके मैंने प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो उसने पैकेट को ड्रॉप दिखा दिया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पीसी और लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जब भी आप एक स्विच से पोर्ट लगाओगे ना तो ये ऑरेंज रहेगा, ये ऑरेंज कितनी देर तक रहेगा, 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक। कई स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि 30 सेकंड तक वो मैक एड्रेस लर्न कर रहा होता है, ऐसा नहीं होता, ये एसटीपी कन्वर्जेंस टाइम होता है, एसटीपी लूप अवॉइडेंस के लिए। ठीक है, तो जो चीज आप बाद में पढ़ोगे, तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड करके ये 30 सेकंड का टाइम हम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब 30 सेकंड को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ सिमुलेटर में ऐसा होता है, रियल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वापस से सिमुलेटर पे आ जाता हूं। अब पांच मिनट से ऊपर हो गए थे, मैक एड्रेस रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब देखो यहां पे मैक एड्रेस से कोई भी लर्न नहीं है, देख रहे हो। ठीक है, लेकिन पीसी के पास देखो, पीसी के पास जो आर्प एंट्री है वो अभी भी है 10.2 के लिए, यस और नो? ठीक है, इसके पास भी आर्प एंट्री है वो 10.1 की, लेकिन मैक एड्रेस रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये जो पैकेट जनरेट करेगा, ये पैकेट भेजेगा, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहां से एक पैकेट उठाया, यहां से यहां भेज दिया। ठीक है, अब ये जो पैकेट भेज रहा है इसके पास सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी भी है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक भी है, इसकी वजह से पैकेट को होल्ड नहीं किया, कोई आर्प जनरेट नहीं की। लेकिन जब स्विच ने फ्रेम को रिसीव किया तो उसने सबसे पहला काम किया, मैक एड्रेस को लर्न किया, लेकिन फॉरवर्डिंग करने के लिए वो देखेगा डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या है? यूनिकास्ट, लेकिन मैक एड्रेस तो लर्न है ही नहीं, तो इस केस में वो क्या करेगा, फ्लडिंग, फ्लडिंग थ्रू ऑल इट्स एक्टिव पोर्ट्स, दो एक्टिव पोर्ट है ना, अब पैकेट जाना चाहिए था यूनिकास्ट लेकिन चला गया ब्रॉडकास्ट, उसको वो उसको क्या कहेंगे, फ्लडिंग, क्लियर? ठीक है, लेकिन पीसी ने इसने क्या कर दिया, ड्रॉप, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक इसके लिए नहीं था। ठीक है, डेस्टिनेशन मैक इसके लिए था तो इसने भेज दिया। अब देखो जब इसने रिप्लाई किया तो मैक एड्रेस दूसरे वाले पीसी का लर्न हो गया होगा 7983। ठीक है, पैकेट गया यूनिकास्ट, क्लियर, क्योंकि मैक एड्रेस ऑलरेडी लर्न हो चुका था। अगली बार अगर पैकेट भेजोगे अब क्या फ्लडिंग होगी, मैक एड्रेस लर्न है डेस्टिनेशन का, दोबारा देख लो, लर्न है अभी भी, फ्लडिंग नहीं हो। ठीक है,
क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहाँ पे इन दो बोलो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि ये पहले से मैक एड्रेस लर्न कर ले, ठीक है, तो पहले मैंने आईपी करी उसके बाद लिंक जोड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरे को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, ठीक है। अब मैक एड्रेस किस रिकॉर्डिंग मैंने पॉज ही नहीं की, डराओ मत यार, ठीक है। अब मैक एड्रेस किसके लर्न है, इस वाले पीसी के और इस वाले पीसी के, ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई भी मैक एड्रेस नहीं है, प्लस पीसी वन के पास, ये पीसी वन है, ये पीसी टू है, ये पीसी थ्री है, पीसी वन के पास आर्फ है पीसी टू का, पीसी टू के पास आर्फ है पीसी वन का, लेकिन अब मैं पिंग करने वाला हूं पीसी वन से पीसी थ्री, तो क्या सबसे पहला ये काम क्या करेगा, आर्फ टेबल में डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा, क्या इसके पास मैक एड्रेस होगा, नहीं, अरे नहीं होगा, तो इसके लिए वो क्या जनरेट करेगा, आर्फ, ठीक है। तो यहां से पैकेट लिया मैंने और यहां पेस्ट कर दिया, तो इसको तो कर दिया होल्ड और ये क्या जनरेट कर दी, आर। अब आर तो आपको पता है कि जब स्विच पे जाएगा तो मैक एड्रेस ऑलरेडी लर्न है, अब मैक एड्रेस F02 पे भी लर्न है, देख रहे हो लर्न है ना, लेकिन पैकेट इंटेंडेडली सेंड कैसे किया गया, एज अ ब्रॉडकास्ट, ठीक है, तो इस केस में पैकेट किसके पास जाएगा, सबके पास सिवाय उस पोर्ट को छोड़ के जिसपे ये रिसीव हुआ, क्लियर, ठीक है, इसको कहेंगे ब्रॉडकास्ट, जो पीछे वाला केस था उसको क्या कहेंगे, फ्लडिंग, क्लियर, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, ठीक है। अब इसने ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसने देखा कि जो डेस्टिनेशन आईपी आई है मेरी तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन इसने एक्सेप्ट कर लिया और क्या करेगा, आर्क का रिप्लाई, अब आर का रिप्लाई यूनिकास्ट क्यों होगा, अब F03 पे देखो सबसे पहला काम इसने क्या किया होगा, F03 पे मैक एड्रेस लर्न, इसका मैक एड्रेस क्या है, 3287, ठीक है, मैक एड्रेस लर्न किया, अब फॉरवर्डिंग करने के लिए पैकेट यूनिकास्टली भेजा गया था, क्या मैक एड्रेस लर्न है, बिल्कुल है, तो स्विच क्या करेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ वन पे फॉरवर्ड कर देगा, क्लियर, क्लियर है सबको, आर पे आ गई, अब पैकेट को भेजा जा रहा है यूनिकास्ट पे, ठीक है, आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट, आईसीएमपी इको, अंडरस्टूड यहां तक, ठीक है। और F01 पे आईपी दे रहा हूं 20.0100, ठीक है, ठीक है। अब इस पे मैक एड्रेस लर्न हो गया होगा, शो मैक एड्रेस टेबल हट गया, जब 5 मिनट से हो रहा था, ठीक है, 5 मिनट बहुत कम, चलो एनीवेज, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मेरे अगर मैं पिंग करता हूँ यहाँ से किसके लिए, 10.1 से मैंने पिंग किया, पिंग 10.0100, पिंग 10.0100, ठीक है, तो हो जाएगा पिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फिर से क्या जनरेट करेगा, आर, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक लेकर आएगा, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को यहाँ से पिंग करना है किसको, 20.001 को, सॉरी किसके आईपी, उसकी
वन, ठीक है, मैंने पिंग करना है इसको, तो इसने पैकेट को इमिडिएटली ड्रॉप कर दिया, कोई आर्ब जनरेट नहीं की, यस और नो, क्या कोई की क्या, नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि जैसे ही इस पीसी को ये पता चला, एंड ऑपरेशन बताया था ना मैंने, जैसे ही एंड ऑपरेशन के थ्रू इस पीसी को ये पता चला कि ये मेरे नेटवर्क का पार्ट नहीं है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, जैसे ही इस पीसी को पता चला ये मेरे नेटवर्क का नहीं है या मेरे सबनेट में लाई नहीं करता, ठीक है, तो इसने एक रिक्वायरमेंट जनरेट करी, वो रिक्वायरमेंट किसकी थी, डिफॉल्ट गेटवे की, ठीक है, तो डिफॉल्ट गेटवे इसने देखा, क्या मेरे ऊपर कोई डिफॉल्ट गेटवे, क्या मेरे पास कोई डिफॉल्ट गेटवे की इंफॉर्मेशन है, अगर होगी तब तो ये डिफॉल्ट गेटवे के पास फॉरवर्ड कर देगा, अगर नहीं होगी तो इमिडिएटली क्या कर देगा, ड्रॉप, ठीक है, तो यहाँ पे शायद लिखी भी होगी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे, देखो ये लाइन पढ़ो, द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज नॉट इन द सेम सबनेट एंड इज नॉट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो प्लस द डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट, दैट इज व्हाई द डिवाइस इज ड्रॉपिंग द पैकेट, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो आपको राउटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि राउटर पे ही आप दो सबनेट की आईपी को दे सकते हो, और अगर पीसी से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको उसका गेटवे की इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा क्यों किया अभी मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे पहला काम करते हैं हम इसको गेटवे दे देते हैं, अब इस सबनेट के लिए गेटवे कौन होगा, 10.0.0.100, ठीक है, और इस सबनेट के लिए गेटवे कौन सा होगा, 20.0.0.100, ठीक है, अच्छा आईपी, ठीक है, मैंने आईपी भी दे दी यहाँ पे और मैंने राउटर से भी आईपी दे दी है, ठीक है, अब मैं दोबारा से पिंग करवाता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ग्रेशियस आर देख लो एक बार, ये ग्रेशियस आर जनरेट कर दी, सिमुलेटर मोड में थे, ये ग्रेशियस आर का पैकेट है, सोर्स आईपी देखो 20.001 और डेस्टिनेशन आईपी भी क्या है 20.001, ठीक है, तो ये ग्रेशियस आर का पैकेट है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ यार, ये अगर करूँ ना, इसीलिए मैं पहले आईपी देता हूँ उसके बाद, अगर मैं इसको डिलीट करूँगा फिर वो सारी लर्निंग हो जाएगी, नहीं कोई कमांड है इस पे नहीं है, हम
अब मैंने क्या किया है, गेटवे असाइन कर दिया है, ठीक है। अब मैं अगर पैकेट यहाँ से यहाँ जनरेट करूंगा तो ये क्या जनरेट करेगा, एक आर्क, ठीक है। आर्क जनरेट करने के लिए ये क्या कहेगा, अब इसने आर्क जनरेट क्यों करी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर्क एक लेयर टू प्रोटोकॉल है, ठीक है, और वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया जाता या क्रॉस नहीं कर सकता वो अपनी नेटवर्क बाउंड्री को, ठीक है। तो नेटवर्क बाउंड्री को क्रॉस ना करने की वजह से इसने जो आर्क जनरेट करी वो किसके लिए जनरेट करी, ध्यान से देखो 10.001, देखो पहले तो ये देखो कि जो इसने पैकेट बनाया, पैकेट किसके लिए बनाया, 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 20.1, ठीक है। आईपी कभी भी चेंज नहीं होती एक नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक, लेकिन मैक एड्रेस चेंज होता रहता है। वो कैसे चेंज होगा, तो आईसीएमपी को होल्ड कर दिया इसने और उस तक के लिए आर्क जनरेट कर दी, सोर्स आईपी क्या है 10.1 और 10.100 के लिए जो इसका गेटवे है उसके लिए क्या जनरेट कर दी, आर्क, ठीक है। वो पैकेट स्विच के पास जाएगा, स्विच मैक एड्रेस को लर्न करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, ये दोनों पीसी क्या कर देंगे इसको ड्रॉप, क्योंकि 10.100 इस इनकी आईपी नहीं है, लेकिन राउटर इसका क्या करेगा, रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई आ गया। अब ये आर्क टेबल में एंट्री बन गई होगी। फिर जो ICMP जनरेट किया इसने, ICMP में देखो सोर्स आईपी क्या लगी हुई है 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगी हुई है अभी भी 20.1, लेकिन सोर्स मैक क्या लगेगा 2AA3 और डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा AC01, ये किसका मैक एड्रेस है 10.100 का, क्लियर। तो कभी भी अगर एक पैकेट को, एक नेटवर्क लेयर पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्रॉस करना है तो सोर्स मैक तो डिवाइस का लगेगा ही, डेस्टिनेशन मैक गेटवे का लगेगा, और हमेशा नेटवर्क बाउंड्री का क्रॉस करते वक्त वो मैक एड्रेस आपका क्या होता रहेगा, चेंज। वो कैसे, कि ये पैकेट गया स्विच के पास, राउटर इसको क्या करेगा, सबसे पहला काम राउटर क्या करेगा, राउटर इस पैकेट आईसीएमपी पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप। विद इन द नेटवर्क क्या होता है, होल्ड। आउटसाइड द नेटवर्क अगर पैकेट आर्क जनरेट करनी है तो वो पहले आईसीएमपी पैकेट को क्या करता है, ड्रॉप। आपने कभी देखा भी होगा कि पिंग करते वक्त पहला पैकेट क्या होता है, हमेशा ड्रॉप। वो इसी वजह से ड्रॉप होता है क्योंकि वो दूसरे नेटवर्क के लिए आर्क जनरेट कर रहा होता है। अगर आपका कभी पहला पैकेट ड्रॉप हो तो आपको ये क्वेश्चन आता भी है इंटरव्यू में कि व्हाई द फर्स्ट आईसीएमपी पैकेट इज ऑलवेज ड्रॉप्ड, ओके। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट मे बी द राउटर डज नॉट हैव द मैक एड्रेस फॉर द डेस्टिनेशन डिवाइस, so the ICMP packet for one network will be dropped to generate the ARC for the another network, okay, so in that case the first packet of ICMP will be dropped, okay। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहला ICMP packet drop हुआ तो इसने जो ICMP packet drop करने के बाद ARC generate करी, तो ARC किसके लिए generate करी, 20.100 से 20.1 के लिए, ठीक है। वो ARC कहाँ जाएगी, पीसी के पास, पीसी क्या दे देगा, आर्क का रिप्लाई, पहला पैकेट खत्म। लेकिन इस बीच में आर्क की एंट्रीज आपकी क्या हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है दोनों नेटवर्क्स में, ये सुनो, ठीक है। तो अगला पैकेट देख लेते हैं, अगला पैकेट यहां से यहां आया, ये भी क्या है, आईसीएमपी, लेकिन इस बार राउटर क्या करेगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस उसको पता है, अब उसको क्या चाहिए, राउट। तो राउटर क्या करता है, राउटर जब भी फॉरवर्डिंग करता है, राउटर जब भी फॉरवर्डिंग करता है तो वो, याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि राउटिंग टेबल बनाता है, जैसे स्विच मैक एड्रेस टेबल बनाता है, राउटर क्या बनाता है, राउटिंग टेबल। तो यहाँ पे राउटिंग टेबल देखने के लिए आपके पास कमांड होते हैं शो आईपी राउट, ठीक है। अब दो राउट इसने बना लिए, एक 10 का और एक 20 का, ये सी क्या है, आपके जो राउट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक होता है कनेक्टेड, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक में ही आप सारी चीजें पढ़ोगे, रिप, EIGRP,
OSPF बीजेपी, ठीक है। स्टैटिक एंट्री वो होती है जो हम मैनुअली करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्टैटिक की बात नहीं कर रहे, अभी किसकी बात कर रहे हैं,